बिहार के एक गांव में एक डैम सूख जाने से एक मस्जिद लोगों को दिखाई देने लगा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो को लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें जो है वो करना शुरू कर दी थी। कहीं पे बताया ये जा रहा था कि ये वीडियो फेक है, या फिर ये वीडियो जो है बिहार का नहीं कहीं और का है, जो कि मस्जिद पहले से था वो मस्जिद सामने नहीं आया था। इस तरह की बातें जो है वो की जा रही थी। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए मुझसे ये पूछा भी था कि आप इस मस्जिद के बारे में कोई अपडेट है तो आप बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मिल्लत टाइम्स का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, जो कि मिल्लत टाइम्स ने इस खबर को छापा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि ये फेक है, ये असल में दावा जो है वो फेक था। असल में ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये उसी मस्जिद का है जो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा है, जहाँ पे लोग ज्यादा तादाद में अब वहां पे पहुंचने लगे। और बताया ये जा रहा है कि एक डैम सूख जाने से, नवादा में एक डैम है जो सूख जाने से ये मस्जिद जो है वो लोगों को दिखने लगा। मतलब ये बात साफ हो गई कि ये मस्जिद जो है वो वाकई में वहां पे दिखाई पड़ने लगा, जो कि एक डैम सूखने के बाद दिखाई देने लगा। अब इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग बता रहे ये 400 साल पुराना मस्जिद है, कहीं पे बताया ये जा रहा है कि ये 600 साल पुराना मस्जिद है। लेकिन मिल्लत टाइम्स की जो खबर है उसमें बताया ये जा रहा है कि 150 साल पुराना नवादा में ये मस्जिद जो है वो दिखाई दिया, जो कि एक डैम सूख जाने से ये मस्जिद जो है वो दिखाई देने लगी। आप इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ लोग जो है, या फिर यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है अब वहाँ पे पहुँच रहे, बाकायदा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे। वहीं पे आपको जब ये वीडियो लोगों के सामने आया था तो बताया जा रहा था कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो फर्जी है, ऐसा कोई मस्जिद बिहार में सामने नहीं आया, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से ये खबर आई। लेकिन वहीं आपको बता दूं कि कुछ खबर ऐसी है जिसको लेकर अब इसको मतलब साफ कर दिया गया कि ये मस्जिद जो है वो वहां पे एक डैम सूख जाने से नजर आने लगी, जिसको लेकर मिल्लत टाइम्स ने भी ये खबर छापा है। आपके स्क्रीन पे मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूँ मिल्लत टाइम्स की ये खबर। उसके बाद आप जब गूगल में भी आप इसे सर्च करेंगे तो आपको आपके सामने एक रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। इन वीडियो में भी आप देख सकते हैं लोग वहां पे ब्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। और वहीं पे आपको एक जानकारी और दे दूं कि बताया ये जा रहा है कि सन 1984 में ये डैम बना था, उसके बाद डैम बनने के बाद ये मस्जिद जो है वो वहां पे पूरी तरीके से पानी से ढक चुका था, क्योंकि वहां पे जो आबादी थी उसे हटा दिया गया था, जिसको लेकर वहां पे लोग थे ही नहीं, वहां पे एक डैम बन चुका था। और आज वहां सूखा पड़ने के बाद जब डैम सूखा है और उसके बाद ये विजुअल जो है वो आपको दिखने लगा, ये मस्जिद लोगों को दिखाई देने लगा। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।